Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss कि class 12th में maths में क्या क्या चीज़ें तुम लोग के syllabus में हैं and क्या क्या नहीं है. And this is for the new batch students 2022 से 2023 batch वाले जो भी students हैं उनके लिए हम discuss करने वाले हैं कौन सी exercises तुम लोग को पढ़नी है, कौन से examples करने हैं और कौन से नहीं करने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले भी start with the relation and function. तो relation and function में first की जो दो exercises हैं तुम लोग को करनी है, उसके बाद जो composition वाला आता है FOG and GOF, तो ये तुम लोग को नहीं करना है. सो विच मीन्स हमारे पास जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो तुम लोग को नहीं करनी है. ये कंप्लीटली डिलीटेड है. इसके पहले के जितने एग्जांपल्स हैं वो भी डिलीटेड है. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है बाइनरी ऑपरेशन. सो ये भी कंप्लीट पोर्शन तुम्हारा डिलीटेड है. सो ये जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो नहीं करने हैं. ये कंप्लीट एक्सरसाइज इज डिलीटेड. फर्दर अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर जहाँ पर भी तुम्हें दिख रहा है बाइनरी ऑपरेशन करना है, जैसे ये वाला, तो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं होंगे, या फिर एफ ओ जी और जी ओ एफ वाले. ठीक है, तो जैसे हमारे पास 49th क्वेश्चन है, अगेन दिस इज वन ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन वन, तो ये हमारा डिलीटेड है. इन द सेम वे आगे जितने भी क्वेश्चंस तुम लोग को मिलेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया फर्स्ट वाला, देन वी हैव द थर्ड वन जहाँ पे एफ ओ जी या जी ओ एफ या फिर बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, तो सारे के सारे तुम्हारे डिलीटेड होंगे. ठीक है, जैसे 9th हो गया, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th एंड फर्दर. ये तो हमारा फंक्शंस से है तो ये तो है फिलहाल, एंड देन ये डिलीटेड है, एंड उसके बाद ये भी डिलीटेड है तुम्हारा. ठीक है, बिकॉज ये बाइनरी ऑपरेशन एंड यहाँ पे जी ओ एफ एंड एफ ओ जी पूछा गया है. तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में है. देन सेकंड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज तो तुम्हारे सिलेबस में है बट सेकंड वाली डिलीटेड है. ठीक है, तो ये फर्स्ट कंप्लीट है एंड सेकंड वाली डिलीटेड है, बट मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट तुम लोग करना. जितने ये फॉर्मुलाज है ना, ये सारे के सारे फॉर्मुलाज तुम लोग लर्न करना. ठीक है, यहाँ पे जितने फॉर्मुलाज हैं सब लर्न होने चाहिए और ये सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना. ठीक है, बिकॉज फर्दर अगर तुम आगे भी देखोगे ना डिफरेंशिएशन में या फिर इंटीग्रेशन में, तो ये सारे फॉर्मुलाज यूज़ होंगे. तो इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग, और जैसे ये वाले टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे, तो ये भी प्रैक्टिस करना. तो फिलहाल वैसे तो ये कंप्लीट डिलीटेड है. मिसलेनियस में भी ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो फर्स्ट एक्सरसाइज में था, तो ये सभी डिलीटेड है ऑलमोस्ट. बट आई वुड सजेस्ट कि जो भी क्वेश्चंस है ना तुम्हारे, सबके सब प्रैक्टिस करना. देन उसके बाद थर्ड, मैट्रिसेस में बात करें तो फर्स्ट की जो दो एक्सरसाइजेज हैं मल्टीप्लीकेशन तक, ये सब जितने भी हैं ये सब कुछ तुम्हारे सिलेबस में है. तो हमारे उसमें क्या डिलीटेड है एग्जैक्टली, एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये वाला पोर्शन डिलीटेड है. यहाँ पर भी तुम्हारे जब तुम सिलेबस चेक करोगे, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है तुम्हारे सिलेबस में, और जो यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स है, तो ये वाला कंप्लीट टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में है. ठीक है, और बाकी जो ये इन्वर्स निकालना है, कैलकुलेट करना, ये डिलीटेड है. विच मीन्स जो ये कंप्लीट एक्सरसाइज है तुम्हारी, दिस इज डिलीटेड. बट जो टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में है वो तुम लोग को मैंने बता दिया है. फर्दर मिसलेनियस में देखोगे, जहां पे भी इन्वर्स निकालना है बस वो नहीं होगा तुम्हारा. ठीक है, जहां पे भी इन्वर्स निकालने वाले क्वेश्चन होंगे वो नहीं है. इसके अलावा सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में है. ठीक है, फिर हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स की. डिटर्मिनेंट्स में तुम्हारा सिर्फ एक ही पोर्शन डिलीटेड है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. बाकी जितनी एक्सरसाइजेज हैं है, तो कंप्लीट प्रॉपर्टीज अगर डिलीटेड है, विच मींस 4.2 तुम्हारा डिलीटेड है, ये कंप्लीट. ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी चीजें तुम्हारे सिलेबस में है. यहां पे जो इनवर्स कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट की हेल्प से, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय मॉड एडजॉइंट ऑफ ए, ये है तुम्हारे सिलेबस में. बट मैट्रिसेस की हेल्प से निकालना एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला डिलीटेड है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मिसलेनियस में क्या क्या नहीं करने हैं. जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा रखी है, तो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस तुम लोगों को नहीं करने हैं. ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है. ये वाला है तुम्हारे सिलेबस में. फर्दर देखो, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लग रही है, तो ये नहीं करना है तुम लोगों को. विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट, विच मीन्स यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लग रही है, तो ये नहीं करने हैं. तो जहाँ पे भी प्रॉपर्टी तुम्हें दिख रही है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक ही तुम्हारा प्रॉपर्टी वाला था, तो जहाँ पे भी प्रॉपर्टी वाले हैं क्वेश्चन, वो सबके सब तुम्हारे डिलीटेड हैं ऑलमोस्ट. ठीक है, जैसे यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो ये डिलीटेड है. इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हारे सिलेबस में हैं. ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की अगर हम बात करें, सारी चीजें तुम्हारे सिलेबस में हैं. ठीक है, जितनी एक्सरसाइजेस हैं सबके सब हैं. आ जाओ सीधे तुम लोग 5.8 पे, ये मीन वैल्यू थ्योरम और जो हमारी रोल्स थ्योरम है, ये तो ये तुम्हारा है डिलीटेड. तो विच मीन्स 5.8 एक्सरसाइज इज डिलीटेड, तो इसको काट देना, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है. उसके अलावा जितनी चीजें हैं सब हैं. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में देख लेते हैं, तो पहला जो रेट चेंज है 6.1 है, 6.2 है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन. फिर इसके बाद जो टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स है, ये काट दो पूरा, ये कुछ भी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स वाला. तो फर्दर विच मीन्स तुम्हारी जो एक्सरसाइज है 6.3, दिस इज डिलीटेड, तो इसको काट दो. ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली अप्रॉक्सीमेशन वाला आ जाता है 6.4, दैट इज ऑल्सो डिलीटेड, तो इसको भी तुम लोग काट दो, दिस पोर्शन इज डिलीटेड. ठीक है, फर्दर इसके बाद बाकी जो भी चीज़ें हैं मैक्सिमा मिनिमा, वो सबके सब तुम्हारे सिलेबस में हैं. तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बाकी सारे तुम्हें करने हैं. 6.5, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, तो ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये सबकी सब तुम्हें करनी है. फर्दर मिसलेनियस में जहाँ
पे भी तुम लोगों को टैंजेंट एंड नॉर्मल, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दिखा देती हूँ, जैसे ये नॉर्मल वाला है, ये टैंजेंट है, ये नहीं करने हैं, और जहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेशन वाले दिख रहे हैं बस वो नहीं करने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन तुम लोगों को करने हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया, इन द सेम वे यू कैन मार्क हेयर ऑल्सो कि जो भी टैंजेंट एंड नॉर्मल और अप्रॉक्सीमेशन वाले हैं बस वो नहीं करने हैं, उसके अलावा मेरे को सारे ही करने हैं, ठीक है। जैसे ये वाला स्टार्टिंग में देख लो, अप्रॉक्सीमेट वाला, तो ये तुमको नहीं करना है, नॉर्मल वाला, ये नॉर्मल वाला, टैंजेंट वाला, वो नहीं करने हैं, इसके अलावा सारे क्वेश्चंस करने हैं। इज इट क्लियर? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम सेकंड बुक में मार्क कर लेते हैं। तो सेकंड बुक में पहला चैप्टर हमारा इंटीग्रल्स है, इसमें सारी चीज़ें तुम लोग को करनी है, बस सीधे 7.8 एक्सरसाइज पे आ जाओ। 7.8 तुम लोग को नहीं करनी है, विच इज़ लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। इसके अलावा जितनी एक्सरसाइजेस हैं सब करने हैं, मिसलेनियस में क्या नहीं करना है, देखो ये लिमिट ऑफ सम वाला क्वेश्चन है ना, बस इसके अलावा जितने क्वेश्चन हैं सारे करना, और इसको भी ना जब लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो बस वो तुम लोग को नहीं करना है, बट इसको सॉल्व करना, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो सिर्फ लिमिट ऑफ सम एक स्पेशल मेथड होती है, बस वो ही नहीं करनी है, ठीक है। और बाकी यहां पे तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसमें जहां पे भी तुम्हें लिमिट ऑफ सम टाइप दिखे बस वो नहीं करना है। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में अगर हम देखें तो पहली एक्सरसाइज तुम्हें कंप्लीट करनी है, ये जो बेसिक एरियाज वगैरह हैं ये सब के सब करने हैं। एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा है, तो ये फिलहाल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पे भी कुछ जो बेसिक से क्वेश्चंस हैं मैं सजेस्ट करूंगी कि वो करना, जो हाई लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं वो करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए जो सिलेबस में मेंशन कर रखा है एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, विच मीन्स 8.2 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। फिर अगर हम मिसलेनियस में देखें ना, तो यहाँ पे कुछ हमारे बेसिक से जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हैं, जैसे कर्व और लाइन के बीच की एरिया, तो ये है, ये है, फर्दर इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सारे के सारे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ना ये तुम लोग प्रैक्टिस करना, जैसे ये पैराबोला है लाइन, तो ये भी तुम्हारे सिलेबस में होगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, फर्दर एरिया इनक्लोज बिटवीन दिस एंड दिस, तो ये भी होगा तुम्हारे सिलेबस में, एंड ये है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। अब यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे नहीं हैं, बिटवीन द कर्व्स, यहाँ पे दो कर्व्स जहाँ पे गिवन है, तो उस टाइप के वैसे तो मेंशन कर रखा है कि नहीं है, बट अगेन ये एक लाइन के फॉर्म में आएगा और एक ये कर्व के बीच में, ठीक है, मतलब कर्व के फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस टाइप के कर लेना मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिस। फर्दर देखो ये भी तुम लोग के सिलेबस में है, वैसे तो मेंशन कर रखा है कि नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, ये लाइंस ही तो आ रही है ना। अब तुम अलग अलग वीडियोस भी देखोगे तो उन लोगों ने कह रखा होगा कि ये क्वेश्चन मत करना या ये करना, बट आई वुड सजेस्ट कि प्रैक्टिस तो डेफिनेटली कर लेना, क्यों, बिकॉज यहाँ पे लाइंस के फॉर्म में ट्राइंगल बन रहा होगा, ठीक है। फर्दर आगे जितने भी है जो हाई लेवल क्वेश्चंस है वो तुम्हारे सिलेबस में फिलहाल नहीं ही है, ठीक है। तो जो बेसिक वाले हैं वो तुम लोग कर सकते हो। देन वी हैव द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हारी फर्स्ट सेकंड दोनों ही एक्सरसाइजेस हैं, जो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिलीटेड है, तो ये जो पोर्शन है तुम्हारा ये कंप्लीट, दिस इज डिलीटेड। फर्दर जो 9.3 एक्सरसाइज आ जाएगी वो भी तुम्हारी डिलीटेड है, उसके पहले के जितने क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सब के सब डिलीटेड है। 9.4 तुम लोगों की है, 9.5 भी है होमोजेनस वाली, ठीक है। 9.6 पहले वाले बैच के लिए ये वाला पोर्शन डिलीटेड था कि dx by dy वाला नहीं करना है, बट तुम लोगों के बैच के लिए ये है तो ये तुम लोगों को करना है, ठीक है। बस इसमें एक ही एक्सरसाइज डिलीटेड है। तो यहाँ पे भी जब तुम मिसलेनियस पे भी आओगे ना, तो यहाँ पे जहाँ पे भी तुम्हें फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है वो डिलीटेड है, जैसे फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे बस वो नहीं होंगे तुम्हारे सिलेबस में, इसके अलावा जितने क्वेश्चन हैं वो तुम्हारे सिलेबस में हैं। देन हम देख लेते हैं वेक्टर्स का, तो वेक्टर अलजेब्रा में क्या क्या है, वेक्टर अलजेब्रा तुम्हारा पूरा है, इसमें कुछ भी पोर्शन तुम्हारा डिलीटेड नहीं है, तो कंप्लीट चैप्टर तुम्हें ये करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है 3D। अब बहुत लोगों को ना 3D में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो CBSE ने सारी दिक्कत दूर कर दी है। 3D में क्या है तुम्हारा, पहले के तो ये जितने भी हैं ये तुम लोगों को करने हैं, एंगल बिटवीन द लाइंस फर्स्ट एक्सरसाइज, देन वी हैव द सेकंड एक्सरसाइज, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सारे फॉर्मूलाज तुम्हारे सिलेबस में हैं, तो 11.2 मेरे को पूरी करनी है। बट इसके बाद प्लेन आता है तुम लोगों का एक टॉपिक, ये प्लेन पूरा डिलीटेड है, बस तुम्हारे उसमें लाइन ही है सिलेबस में, तो ये कंप्लीट डिलीट कर दो, ये कुछ भी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, क्रो प्लेनैरिटी वाला भी नहीं है। फर्दर ये 11.3 एक्सरसाइज कम्प्लीटली डिलीटेड है, तो इसको मार्क कर लो। अब देखो यहाँ पे मिसलेनियस में जैसे प्लेन वाला है तो डिलीट कर दो, फर्दर यहाँ पे प्लेन है तो डिलीट कर दो, जहाँ पे भी तुम्हें प्लेन दिख रहा है ना, कोप्लेनैरिटी वाला भी नहीं है, तो इसको भी कट कर दो। फर्दर आगे एक्सरसाइज में भी जहाँ पे भी तुम्हें प्लेन दिख रहा है ना, बस वो क्वेश्चंस कट कर देना, इसके अलावा सारे ही तुम्हारे सिलेबस में हैं, जैसे प्लेन वाला हो गया, प्लेन वाला हो गया, प्लेन वाला, मैक्सिमम प्लेन ही इंपॉर्टेंट था और वो डिफिकल्ट भी था, तो वो अभी डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। जैसे ये है इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस प्लेन, तो ये सारे ही टॉपिक्स तुम्हारे डिलीटेड हैं बिकॉज ये 11.3 से पहले आ रहे हैं, ठीक है। तो जो लाइन वाला है सिर्फ वो ही तुम्हारे सिलेबस में है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसमें पहले तो अनबाउंडेड एरिया या अनबाउंडेड रीजन डिलीटेड था, बट अब वो तुम्हारे सिलेबस में आ चुका है। तो तुम लोगों को क्या करना है, देखो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है। तो ये जितनी भी तुम्हारी एक्सरसाइज है ये पूरी करोगे, चाहे अनबाउंडेड रीजन हो चाहे बाउंडेड, फीजिबल नॉन फीजिबल दोनों ही रीजन करना है। नेक्स्ट जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आ रहा है, विच मीन्स यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप है वो तुम लोगों को नहीं करना है। तो इसके अलावा तुम्हारा कुछ भी सिलेबस में नहीं है लीनियर प्रोग्रामिंग में, ठीक है। देन आता है प्रोबेबिलिटी। अब देखो प्रोबेबिलिटी में पहले जितनी भी चीज़ें हैं सब हैं तुम्हारे सिलेबस में। फर्स्ट एक्सरसाइज है, सेकेंड एक्सरसाइज है मल्टीप्लिकेशन वाला, और जो पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट इवेंट, सब कुछ है तुम्हारे सिलेबस में। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज है। एंड बेस थ्योरम भी है, विच मींस जो नेक्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारी आती है 13.3, वो कंप्लीट तुम्हारे सिलेबस में है। ये कंप्लीट है तुम्हारे सिलेबस में। फर्दर रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हारे सिलेबस में, बट यहाँ पे आगे एक टॉपिक आता है हमारे पास मीन वाला, मीन भी है, बट ये जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है बस वो नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे ये कंप्लीट एक्सरसाइज तुम्हें करनी है, कंप्लीट सारे क्वेश्चंस करने हैं, बट जहाँ पे भी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है ना, बस वो तुम लोगों को नहीं करना है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये जितने क्वेश्चंस हैं ना सारे के सारे तुम्हें इस एक्सरसाइज के करने हैं, जहाँ पे भी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है बस वो पोर्शन कैलकुलेट नहीं करना है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को करने हैं, ठीक है। देन वी हैव बर्नौलीज़ ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पूरा पोर्शन डिलीटेड है तुम्हारा, विच मीन्स जो तुम्हारी 13.5 एक्सरसाइज है दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। देन इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं मिसलेनियस में। तो मिसलेनियस में जैसे बाइनोमियल आ गया या फिर वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पूछा गया है, बस वो क्वेश्चन नहीं होंगे। इसके अलावा जितने क्वेश्चन हैं वो तुम्हारे सिलेबस में होंगे, जैसे बर्नौलीज़ ट्रायल्स है तो ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं होगा, ठीक है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अलावा जितने क्वेश्चन हैं वो सब के सब तुम्हें करने हैं, जहाँ पे भी तुम्हें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉलेज ट्रायल्स लगाना है बस वो क्वेश्चंस नहीं करने, ठीक है। तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस तुम लोग को बता दिए हैं तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो तुम्हें दोनों ही बुक्स प्रॉपरली सॉल्व करनी है, बट अगर बोर्ड एग्जाम पे ही तुम्हें खाली फोकस करना है उस केस में तुम इन टॉपिक्स को छोड़ सकते हो। इसके अलावा जो मैंने तुम लोग को बताया है कि डिलीटेड है बट उसे कर लेना, तो वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, उसको कर ही लेना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वॉज यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।